हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्प लर्नर। पिलाने आज आम श्रेणी नवम विज्ञान बहर जैव विविधता चैप्टर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आलोचना करवा जहाँकि तुम्हारा फॉर्मेटिव असेसमेंट वन हो कि समेटिव असेसमेंट वन हो कि समेटिव असेसमेंट टू हो ये समस्त परीक्षा बहुत उपयोगी अटे बहुत साहायकारी अटे। पिलाने मन रख तुम जो समेटिव असेसमेंट वन तृतीय सप्ताह हम नवेम्बर अर्थात नवेम्बर मसर पिलाने तृतीय सप्ताह जाऊँ तो नवेम्बर मस तो आ बेसी दिन ना आ हार्डली आ दुई मंथ बा दुई मस अच्छी कहले चले कि देखु देखु कत दुईमास पल आम जापर ना तेणु एमें प्रिपेरेसन एबेटर ही जारी रखा पड़ो। आ गए पे मन रख यो समेटिव असेसमेंट वन टोटाल तुम 40 मार्क परीक्षा हे जो 40 रु प्रथम 20 मार्क पे केवल केवल एमसीक्यू प्रश्न आसो और द्वितीय जो 20 मार्क ता सब्जेक्टिव आसो। आ पे जिनसा मुझे कहूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आम गवर्नमेंटर संस्था अच्छे जहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहे तो सी ही यही चिठी मैंने गोटे चिठी मध्यम ये प्रकार इनफर्मेशन सी देती। ओके पे आ गए मन रख पे जो समेटिव असेसमेंट वन रो भी किसी प्रश्न आसो एगुड़िक बोर्ड तैयारी कर कौन सी सार तैयारी करेंगे ना से समस्ते ये जिनस समस्त गुरुत्व देवा आजर प्रिपेरेसन को भल रखा। ओके पे जदि आप भलसे प्रिपेरेसन करने चाहूँ तेज आप सहित जोड़ी रुंतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी देन व्हाट्सएप ग्रुप भी अच्छे आप ग्रुप रो लिंक रे क्लिक करी ग्रुप रे जॉइन हूँ आप फर्दर अपडेट मिल पार या सहित यथाशीघ्र चैनल को पे सब्सक्राइब कर दियो पाखे जो बेल आइकन अच्छे दबाई दियो देन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर जहाँद्वारा कौन होगा आगामी समय जो भी किसी वीडियो अपलोड हम यह नोटिफिकेशन तुम्हें पाइपर पे यहाँ हूँ पार्ट 3 अटे मैंने जो जैव विविधता चैप्टर जो आज आम पढ़ा यहाँ पार्ट 3 अटे या पूर्व अलरेडी पार्ट 1 एंड 2 अपलोड हो सारी जब आप पार्ट गुड़ी को देखा चाहते तेज आम चैनल प्ले लिस्ट को भिजिट करूँ। ओके पे तो चलो स्टार्ट करवा। तो पे आम प्रीवियस पार्ट रे एक नंबर प्रश्न रु 55 नंबर प्रश्न पद आम आलोचना कर देचे आज वीडियो आम 56 नंबर प्रश्न रु देखा पे कह एक माइक्रोमीटर केते मीटर हे 10^-5 ना 10^-4 10^-7 ना 10^-6 तो कौटा हे पे राइट आंसर कौटा हे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी पिला माने सठिक आंसर होची कोडा शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पिला माने सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 10^-100। नेक्स्ट क्वेश्चन किए पिला माने कहिलो किए एक बृहत्काय उद्भिद अटे पाइन ना साइकास ना रेडवुड ना बर तो पिला माने आ भितरु केउ उद्भिद बहुत बड़ अटे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी तो पे कौट हम राइट आंसर पे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी रेडवुड तो रेडवुड हूँ पे एक बृहत्काय उद्भिद अटे। नेक्स्ट प्रश्न कहींच प्राय केते वर्ष पर्यंत बंचे पे 20 वर्ष ना 200 वर्ष ना 2000 वर्ष ना 100 वर्ष तो पे कहींच प्राय केते वर्ष बंचे शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पे यार राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी 200 वर्ष तो कहीं प्राय 200 वर्ष पर्यंत बंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी में प्राय केते लक्ष रु अधिक जातिर जीव थिबा अनुमान कर जाए अर्थात पृथ्वी में प्राय केते लक्ष रु अधिक जातिर जीव थिबार अनुमान कर जाए 15 लक्ष ऑप्शन बी 10 लक्ष ऑप्शन सी 20 लक्ष ऑप्शन डी 5 लक्ष तो प्राय केते लक्ष अधिक जातिर जीव थिबार अनुमान करा जाए कौट हम पे राइट आंसर ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी पे यही प्रश्नर सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 15 लक्ष तो पृथ्वी में प्राय 15 लक्ष रु अधिक जातिर जीव थिबार अनुमान करा जाए। पे आम जो ये क्लास करुचे ना ये क्लास रे पूरा जैव विविधतार पूरा चैप्टर को आम कवर करवा बुझिपार्चो ना आगामी आहरी 2-3 वीडियो आसो तो पूर्व 2 वीडियो होती आज वीडियो हूँ 3 नंबर आगामी दिन में 2-3 वीडियो आसो जो थे पूरा जैव विविधतार पूरा चैप्टर को आम कवर करदे। ओके जार समस्त वीडियो गुड़िक आम ग्रुप आम जो यूट्यूब चैनल अच्छी जार नाम हूँ शार्प लर्नर। ओके तो से ही चैनल थी आप जिते भी चाहिए मानने चैनल को भिजिट करेंगे प्लेलिस्ट को जीवन क्लास करें। ओके देन आप स्कूल भी पढ़ाला कि ट्यूशन पढ़ाला चाहिए यही जो वीडियो गुड़ी देखिक प्राक्टिस करेंगे बुझिपार पे तो पे प्रश्नर सठिक उत्तर हूँ कौ प्रश्नर
जो प्रश्न पचराई बर गछर प्रजाति कौन बर गछर प्रजाति नाम कौन कहल पे फाइकस ना बेंगालेनसिस ना रिलीजियोसा ना कारिका तो बर गछर पे प्रजाति नाम कौन हम कौन हम पे बर गछर प्रजाति पे बर गछर प्रजाति नाम हूँ ऑप्शन ए फाइकस। नेक्स्ट अश्वत्थ गछर जातिर नाम कौन अटे पे फाइकस ना रिलीजियोसा ना बेंगालेनसिस ना कारिका तो कौट हम पे राइट आंसर कौट हम फाइकस हम ना रिलीजियोसा हम ना बेंगालेनसिस हम ना कारिका हम कौट हम पे राइट आंसर पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी रिलीजियोसा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीक्र क्यों दार्शनिक प्राणी मान बासस्थान मुख्यतः जल स्थल और वायु को भित्ति करी से श्रेणी विभाग करते तो ग्रीक्र क्यों दार्शनिक ये प्रकार विभाग ग्रहण करते पे ऑप्शन ए ईएच हेकेल ऑप्शन बी रॉबर्ट व्हिटाकर ऑप्शन सी अरिस्टोटल ऑप्शन डी लिनियस तो पे कौ वैज्ञानिक ये प्रकार श्रेणी विभाग करते प्राणी मान कौ वैज्ञानिक पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी अरिस्टोटल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे कहल प्रोटिस्टा भागर स्रष्टा किए प्रोटिस्टा भागर स्रष्टा किए ईएच हेकेल ना ऑप्शन बी रॉबर्ट व्हिटाकर ना ऑप्शन सी अरिस्टोटल ना ऑप्शन डी लिनियस तो आ भितर पे किए प्रोटिस्टार स्रष्टा अटंती चिंता कर आगे मन पक मानने चेष्टा कर पे प्रश्न को पे गभीरतर भाव में पढ़ एवं मन पकड़ चेष्टा कर किए हम प्रतिष्ठार स्रष्टा पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए ईएच हेकेल। नेक्स्ट पंचजगत विशिष्ट प्राणी मान वर्गीकरण स्रष्टा किए ओके जो पंचजगत जो मानते जीवजगत जो पांच भाग विभक्त कराई जो वर्गीकरण करार स्रष्टा पे किए ईएच हेकेल ना रॉबर्ट व्हिटाकर ना अरिस्टोटल ना लिनियस तो आ भितर किए पे पंचजगत वर्गीकरण पंचजगत प्राणी मान वर्गीकरण स्रष्टा किए हे पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी रॉबर्ट व्हिटाकर तो रॉबर्ट व्हिटाकर पंचजगत प्राणी मान वर्गीकरण स्रष्टा अटंते। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ माने समस्ते एककोशीय प्रोकैरियोट क्यों माने समस्ते एककोशीय प्रोकैरियोट अटे मोनेरा प्रोटिस्टा ना फंजाई ना प्लांटी तो पे एम किए एककोशीय प्रोकैरियोट अटे एककोशीय पे प्रोकैरियोट पे प्रोकैरियोट का कह तुम शुण यूकैरियोट आ प्रोकैरियोट नहीं कि तो एम भितर पे किए प्रोकैरियोट अटे जो मानकर पे एक कोश गोटे कोशक थोड़ा न्यूक्लियसटा प्रॉपर्ली या नाकर जो न्यूक्लियस जो आवरण अच्छी जिन कोश झिली से न्यूक्लियस झिली मत अच्छी से बराबर ही ना आम प्रोकैरियोट एक मानते प्रोकैरियोट कोश कोश बोले आम कहीपर आ से जीव को एककोशीय प्रोकैरियोट भी कहुए तो पे भितर किए एककोशीय प्रोकैरियोट अटे पे राइट आंसर होची ऑप्शन ए मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एमिबा क्यों प्राणी जगत अंतर्भुक्त एमिबाटा ऑप्शन ए मोनेरा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा ऑप्शन सी फंजाई ऑप्शन डी प्लांटी तो पे एमिबाटा क्यों प्राणी जगत अंतर्भुक्त एमिबाटा क्यों प्राणी जगत अंतर्भुक्त पे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौट हम पे राइट आंसर पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रोटिस्टा तो एमिबा हूँ पे प्रोटिस्टा श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न पे क्यों उद्भिद चेर बदल राइजॉइड रही है चेर बदल मार्सेलिया ना फर्न ना रिक्सिया ना स्पाइरोगायरा तो पे आ भितर क्यों उद्भिद चेर बदल राइजॉइड थाए कौट हम पे
शीघ्र शीघ्र उत्तर दियो। ऑप्शन बी ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। पहले राइट आंसर होचो ऑप्शन सी रिक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न, किए पिले माने एक नग्न बीजी उद्भिदर उदाहरण अटे। नग्न बीजी धान ना पियाज ना लाउ ना पाइन, तो एमानक मध्यरु पिले माने नग्न बीजी उद्भिद किए। नग्न बीजी ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। पिले माने यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी पाइन। तो पाइन होची पिले माने एक नग्न बीजी उद्भिदर उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न, केउ मानंकर शरीर बहुकोशी विशिष्ट ओ त्रिस्तरीय अटे। केउ मानंकर पिले माने शरीरटा बहुकोशी अटे आ त्रिस्तरीय मध्ये अटे। निमोटो हेल्मिथेस प्लांटी हेल्मिथेस सिलेंटरटा ना पाइसेस, तो पिले माने ऑप्शन ए ना बी ना सी ना डी। तो एमानक भितरु कहार शरीर बहुकोशी विशिष्ट अटे आ त्रिस्तरीय मध्ये अटे, तो कोडा हबो पिले माने राइट आंसर शीघ्र शीघ्र कमेंट करो। कौड़ा हम पे राइट आंसर होची ऑप्शन ए निमाटो हेल्मिंथेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पे कहार रेचन आदिवृक द्वारा हुए। कहार रेचन आदिवृक द्वारा हुए, मशार ना माछीर ना असरपार ना जुकुर। तो पे कहार रेचन आदिवृक द्वारा होता है, कौड़ा हम पे राइट आंसर। कहार रचन पे आदिवृक उत्तर होता है, ऑप्शन ए ना बी ना सी ना डी। आम ये प्रश्न को आगुरी मत पढ़चे। पे राइट आंसर होता है ऑप्शन डी जोको। तो जोको पे आदिवृक उत्तर श्वासक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रेणी विभाग जनक पे किए। श्रेणी विभाग कैरोलस लिनियस ना डार्विन ना हैकेल ना कार्ल वॉन, तो इमान मधुर पे किए जो प्राणी जगतर जो श्रेणी विभाग जनक अटंती। ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। पिला एटा लिनियस हम। ओके पिला यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, जे कि श्रेणी विभाग माने प्राणी जगतर श्रेणी विभाग जनक अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिला माने कहिलो केउ गोष्ठी रे सर्वाधिक प्राणी अंतर्भूत। केउ गोष्ठी रे मोलुस्का एनिलिडा आर्थ्रोपोडा निमाटोडा, तो एमानक मधुर केउ गोष्ठी रे सर्वाधिक प्राणी अछंती। ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। कोडा पिले माने राइट आंसर, केउ गोष्ठी सर्वाधिक प्राणी अंतर्भूत। पिले माने यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जिनसटी कौन अटे। मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जिनसटी कौन, होमो ना म्यान ना सापियंस ना इरेक्ट्स, तो मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जिनसटी कौन अटे। कौड़ा हम पे राइट आंसर, पे प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन ए होमो। होमो होची पे मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जिनसटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पे मटर गछर वैज्ञानिक नामर स्पेसिस्टी कौन अटे। स्पेसिस मटर गछर पाइसम ओराइजा ना भाइभाक्स ना साटिफम, तो मटर गछर पे वैज्ञानिक नामटी कौन अटे। कौड़ा हम पे राइट आंसर, पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साटिफम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे कहल के प्लांटी गोटे अंतर्भूत अटे। प्लांटी ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी एकाई नोडमाटा, ऑप्शन सी हुक वार्म, ऑप्शन डी पोरीफेरा। तबे पिले माने एमानक मधुरु कोडा प्लांटी रो गोटे उदाहरण होई परिबो, चिंता कलो। प्लांटी रो उदाहरण पिले माने यहाँ राइट आंसर होची ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म होची एक प्रकार प्लांटी रो उदाहरण बा अंतर्भुक्त होई परिबो। तो पिला माने आज ये थाउ 76 क्वेश्चन रे आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करिबा।
ओके पे पे जदि भिडियो भल लगी निहत रूप गोटे लाइक कर निज सांगसाथी भितर वीडियो को शेयर करिबो आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना यथाशीघ्र सब्सक्राइब मध्य करिबो आ जदि अधिक आपन जोड़े चाहूँ तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी देन व्हाट्सएप भी ग्रुप अच्छी आपन से ग्रुप रो लिंक रे क्लिक करंतु एवं ग्रुप रे जॉइन होंतु आ गोटे पे मैंने मन रखुद से ग्रुप रो चैट बॉक्स को ऑफ रखा जाइछि तने आपन किछ ओरी हेबा दरकार नै जदि आपन किछ प्रॉब्लम होछ तबे आपन पर्सनली मते मेसेज करि परिबे किछ प्रॉब्लम नै ओके पे मैंने धन्यवाद।